चैनल मैं हूँ पहल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे से होंगे। हम लोग अच्छे से हैं और अभी मैं अपना नाश्ते कर रही हूँ। तो नाश्ते में दूध रोटी और ये रही चाची और ये रहा बुग्गू। बुग्गू है करो तो बुग्गू को सूजी खिला दिए, तेल मालिश हो गया है ना बुग्गू। और बुग्गू गया था कल शॉपिंग करने V2। तो बुग्गू ढेर सारा सामान लाया है, टॉप लाया है, फिर उसका टावल लिए, बहुत कुछ लिए हैं तो दिखाएंगे और वो सारा कुछ धोएंगे। क्योंकि बुग्गू एक खिलौना लिया था और उसको क्या किया रास्ते में फेंक दिया, तो उसको उसमें रखे थे तो सारा कपड़ा इसलिए धो देंगे। तो मिल्क नाश्ता कर लेते फिर। खाना वाना हो गया, नहा आके बुग्गू को खाना वाना खिला दिए, सबको ही खा भी लिए यहाँ पर दे दो। और यहाँ पर हम लेके बैठे हैं खाना, तो आज खाने में है दाल चावल और हरा चना का बचका और आलू का भुजिया। तो हरा चना कल पापा लाए थे, परसों रात में पापा लाए थे, तो कल बना था लेकिन हम लोग एक दो करके खाए थे और फिर चना रखा गया था क्योंकि पापा 1 kg लगभग चना ले आए थे। तो ढेर सारा चना था तो उतना सारा चना कौन खाता। तो अभी दोपहर के खाने में मम्मी बोले कि पकौड़ा बना देते हैं, तो दाल चावल आलू का भुंजिया और पकौड़ा, तो यही खाना है आज हमारा। तो थोड़ा सा मिला आलू का भुंजिया, हमको आलू का भुंजिया थोड़ा सा मिला। चावल इसलिए खा रहे क्योंकि रोटी दोपहर में खा रहे थे ना, तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा गैस बना दे रहा था, मतलब खाना लग रहा था ना कि यहाँ जल रहा है। तो फिर हम बोले कि नहीं, जो भी है दोपहर में हम चावल ही खाएंगे और दवा जो खा रहे हैं वो कंट्रोल होएगा अपने। तो वही दवा चल रहा है 2 टाइम। और आज डुगू का बर्थडे है, तो डुगू को स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में दिखाए थे कि डुगू कौन है, तो आज डुगू 1 ईयर्स का हो गया। तो डुगू मेरी आंटी का बेटा है, तो आज वो 1 साल का हो गया मेरी। तो वहाँ बर्थडे में जाना है, तो बर्थडे में सबको ही नहीं जाएंगे, सिर्फ हम और मम्मी जाएंगे। बुग्गू को ले जाना मतलब परेशान हल्का मचा देती है और काफ़ी दूर है मतलब, तो रात में प्रॉब्लम होगा बुग्गू को लेके। तो इसीलिए बुग्गू और आंटी और प्रिया और विकास घर पे रहेंगे, हम और मम्मी जाएंगे डुगू के बर्थडे में। तो डुगू के लिए एक ड्रेस लिए हैं और गिफ्ट लिए हैं, तो गिफ्ट तो पैक करवा दिए, ड्रेस नहीं पैक करवा है अभी। तो अभी निकलेंगे हम लोग मार्केट, मार्केट में भी थोड़ा काम है। और कल गए थे V2, बुग्गू के लिए थोड़ा मोड़ा शॉपिंग हुआ और यहाँ से जो शॉपिंग किए वो भी दिखा देंगे। तो बुग्गू का होली का बहुत सारा शॉपिंग हो गया है और इसी बीच है नाना का बर्थडे, तो नाना का बर्थडे का भी मतलब बुग्गू ड्रेस लिया है। वो नाना के बर्थडे के दिन वो खुद भी नया ड्रेस पहनेगा, तो देखा जाए नाना का बर्थडे कब है बताएंगे। तो इस बार मतलब कभी पापा सेलिब्रेट नहीं करते थे, तो हमेशा सिर्फ मम्मी का सेलिब्रेट होता था। मतलब हम लोग करते थे जब हम लोग बच्चे मतलब बड़े हो गए, होश संभाल लिए, तो फिर करने लगे मम्मी का बर्थडे। तो इस बार पापा को भी बोले कि पापा बर्थडे, तो पापा पहले तो बहुत ये कर रहे थे कि है क्या बर्थडे मनाना, लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा ये किए कि नहीं पापा प्लीज़ पापा। तो करते करते पापा बोले कि ठीक है लेकिन हम केक वेक नहीं काटेंगे। हम बोले कि आप मत काटिएगा, बुग्गू काटेगा। तो बुग्गू को गिफ्ट चाहिए, तो बुग्गू नया ड्रेस लिया है और गिफ्ट फिर उसको देना है। तो चलो आज तो डुगू का पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते, उसके बाद नाना के बर्थडे के दिन बुग्गू के लिए भी गिफ्ट आएगा। तो खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। हम लोग बताए थे भाई का बर्थडे है, तो आए तो देखो मेरा छुटकू सा भाई, इसका फर्स्ट बर्थडे, यही है मेरा डुगू, इसके साथ डुगू मेरा डुगू। इतना आदमी को देख के रो रहा है, देख रहा है कि हम अकेले रहते हैं और इतना कोई कहाँ से आ गया, तो डुगू इसलिए रो रहा है ना।